इस वक्त जम्मू कश्मीर के हदबंदी कमीशन के हवाले से, जहां पर हदबंदी कमीशन ने एसोसिएट मेंबर्स को एक और रिपोर्ट सौंपी है, और अबूरी रिपोर्ट है ये, लेकिन इसमें 90 असेंबली हलकों के नाम शामिल हैं। जो हमारे पास इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं कमीशन की हतमी रिपोर्ट में, ताखीर जरूर हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ जो इंटरिम रिपोर्ट है वो सामने आ गई है, और एसोसिएट मेंबरान से थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई जिनने इसकी तस्दीक कर दी है, और तमाम जो एसोसिएट मेंबरान हैं उनको ये रिपोर्ट सौंप दी गई है, इसकी कॉपी सबके पास चली गई है। इस वक्त एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ फोन लाइन पे। इशफाक, रिपोर्ट के हवाले से क्या कुछ मजीद तफसीलात हैं? आसिफ, अभी जो हमें बिल्कुल कंफर्म सोर्स से खबर मिली है, हदबंदी कमीशन ने अपनी आरजी रिपोर्ट जो है थोड़ी देर पहले सभी एसोसिएट मेंबर, जो 5 एसोसिएट मेंबर्स हैं, उनको सौंप दी है, और इस रिपोर्ट के अंदर जो कंफर्म बात हमारे पास इस वक्त सामने आ रही है वो ये है, एक ये कि जो पहली इंटरिम रिपोर्ट में जो सीटें बढ़ाई गई थी जम्मू और कश्मीर के अंदर, जिसको लेकर काफी हंगामा भी हो रहा था, उसको स्टैंड बाय रखा गया है, उसमें किसी किस्म की कोई भी तब्दीली नहीं है। ताहम 90 सीटों की हदबंदी किस तरीके से होगी, कौन सी असेंबली सेगमेंट कहां पर है, किस तरीके से है, कौन कौन सा इलाका उसके अंदर है, उसको लेकर एक इंटरिम रिपोर्ट जो है वो सौंपी गई है, और अब बहुत जल्द अप्रोक्सीमेटली 14 या 15 तारीख को हदबंदी की बाजाबत तौर पर मीटिंग भी हो सकती है। इस तरीके की जराया से हमारे पास खबर है। हमारे नाजरीन को ये बात इल्म होगी कि आज से तकरीबन 10-12 दिन पहले हमने एक डिटेल बताया थी कि अभी बहुत सारा काम जो है वो पेंडिंग है, लेकिन वजीर आजम के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर की मीटिंग के बाद इस बात के आसार काफी ज्यादा रोशन हो रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी चुनावी बिगुल जो है वो बज सकता है, क्योंकि ये एक आरजी महीना जो अभी सामने आ रहा है कि लगभग सितंबर अक्टूबर के आसपास चुनावी सरगर्मियां जो है वो काफी तेज जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगी, और तब तक हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट जो है वो पूरी होनी चाहिए। अभी हदबंदी कमीशन के पास थोड़ा सा वक्त जरूर है, 6 मार्च तक का वक्त, और उससे पहले जिस तरीके से उन्होंने ये रिपोर्ट दी है, इसका मतलब और 2 निशस्तें वो करेंगे, और जिसके बाद हतमी रिपोर्ट भी वो सामने रख सकते हैं। लेकिन अभी देखना होगा कि ये जो आरजी रिपोर्ट सामने रखी गई है, इसके बाद अब क्या एक और मीटिंग होगी एज पर प्रोसीजर? अब ये रिपोर्ट जो है, ये जो रिपोर्ट है, इसके बाद इसको अवाम के सामने रखा जाएगा, इलेक्शन कमीशन के जरिए से इसको तशहीर कराया जाएगा, तो ऑलमोस्ट जो खदशात लगाए जा रहे थे लगभग उसके बरक्स ही आज ये खबर जो है वो देखने को मिली है, जिसमें हदबंदी कमीशन ने न उन 6 सीटों का जिक्र किया बल्कि 90 सीटों के खदुखाल के हवाले से रिपोर्ट एसोसिएट मेंबर्स को सौंपी है। 20 तारीख को साल 2021 में जो आखिरी मीटिंग हुई थी जिसमें एसोसिएट मेंबरांस को बुलाया गया, उसके बाद मेंबर्स की तरफ से अपनी भी मीटिंग्स लगातार की जाती रही हैं, लेकिन उस मीटिंग के बाद अहम पेशरफ्त हुई थी कि 6 सीटें असेंबली, नई जो सेगमेंट्स बनेंगे वो जम्मू के लिए, 1 कश्मीर के लिए, इस तरह की रिपोर्ट्स हमारे सामने थी, लेकिन आज कोई तस्दीक इसकी हो पा रही? जब 90 का जिक्र हो रहा, दैट मीन्स लगभग वही फिगर्स आउट हो रहे हैं। जी, जो अभी हमारे सोर्सेज हमें कंफर्म कर रहे हैं वो यही है कि जो एतराजात नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 मेंबरों ने तहरीरी तौर पर किए थे, उन सबको यकसर नजरअंदाज किया गया है, और कुछ तजवीजें जो 90 को लेकर थी उसको लेकर शायद कुछ तजवीजें मानी गई होंगी, लेकिन जिस तरीके से सीट एलोकेशन हुई है और जो एतराज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है उस पर हदबंदी कमीशन ने अभी तक जो हमारे पास जरा से खबर है वो यही है कि उन्होंने उस पर ज्यादा कोई तवज्जो नहीं दी है, और वो उन्होंने गोहेड अपने ही प्रोसेस को किया है कि जम्मू को जो शेयर दिया था और कश्मीर को जो शेयर दिया था उसी को स्टैंड बाय रखा है, लेकिन इस रिपोर्ट में उन्होंने 90 सेगमेंट्स को, जो असेंबली हलके हमारे 90 बनेंगे, अब उन 90 असेंबली हलकों की खदुखाल कहां पर होगा, कौन सा इलाका कहां पर होगा, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहां पर होगी, और इन नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज को लेकर भी उनकी तरफ से डिटेल जो है वो सामने रखी गई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि एसोसिएट मेंबर्स में से कोई जिम्मेदार हमारे साथ ज्वाइन करें, हम जरूर इस पर राबते की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर यही फाइनल रिपोर्ट होती है जो इंटरिम है, इससे पहले जो हमारे पास पहली तफसीलात आई थी 20 तारीख की मीटिंग के बाद, आज इंटरिम रिपोर्ट में भी लगभग यही चीजें क्लियर हो रही हैं, अगर इसी को लगभग 70-80% फाइनल रिपोर्ट मान के चलें, तो जो एतराजात थे क्या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि इत्तफाक उस चीज पर करे, चूंकि ऑलरेडी सवाल पिछली रिपोर्ट पर उनकी तरफ से उठाए गए थे? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आगे खाई और पीछे कुआं वाला मामला है।
क्योंकि जब उन्होंने बायकॉट किया था तो प्रेशर यह था कि जब आप जाकर अपनी बात रखिए, जब उन्होंने बात रखी है ऑब्वियसली बात थी कि जिस बात को वो सबसे ज्यादा थ्रस्ट दे रहे हैं कि 370 का मामला सब जुडिस है और जिस एक्ट को लेकर आप ये सारे मामले चला रहे हैं जी वो गैर आईनी है, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी सुनवाई नहीं करता है उसको सबने नजरअंदाज कर दिया है। उस बड़े जो जो बड़ा उनकी तरफ से मौकफ था, जो बड़ा एतराज था, उसको नजरअंदाज किया है अभी तक हदबंदी कमीशन ने। और जिस तरीके से उनका मानना था कि जनाब आबादी के तनासुब को ध्यान में रखते हुए सीटों की सीटें बांटी जाए और 2011 के सेंसस को भी अगर मद्देनजर रखा जाए तब भी जो जम्मू के लिए जिस तरीके से सीटें तजवीज की गई है जी वो सरीहन गलत है, वो बात भी कहीं ना कहीं मानी नहीं है हदबंदी कमीशन ने अभी तक जो मेरे पास सोर्सेज है। नो डाउट कि जब कमीशन के कोई मेंबर खुलकर बोलेगा या एसोसिएट मेंबर खुलकर बोलेगा हो सकता है उनके पास और भी कोई डिटेल हो, लेकिन जो मेरे पास डिटेल्स है वो यही है कि कमीशन ने कोई भी बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की नहीं मानी है। जरूर उन्होंने डिस्कशन के दौरान कुछ बातों पे तो इसका मतलब इसका कि माने हम देख रहे थे कि सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद के साथ साथ कुछ पार्टियों की तरफ से इस पर कहीं ना कहीं इत्तेफाक भी किया था जब हमारे सामने पहली तफसीलात आई थी 6 सीटों के हवाले से असेंबली सेगमेंट जम्मू सूबे के लिए। सिर्फ वाहिद गुलाम नबी आजाद ऐसे थे जिन्होंने ये कहा था कि देखिए ये सीटें तो जम्मू कश्मीर को बढ़ रही है, चाहे जम्मू में बढ़े या कश्मीर में बढ़े, डोडा में बढ़े या किश्तवाड़ में बढ़े। तो इस पॉजिटिव रिस्पॉन्स से हम ये माने कि मूव फॉरवर्ड करना आसान हो गया कमीशन के लिए और आज फिर लगभग वैसी डिटेल सामने आ रही है अभी तक सोर्सेज से। कमीशन एक आजाद इदारा है ये सबको मानना पड़ेगा और वो एक कानून के तहत काम कर रहा है ये भी सबको मानना पड़ेगा। जब देखिए एक बड़ा लॉजिक जो आज कुछ क्रिटिक्स यहाँ दिल्ली के अंदर दे रहे थे जब मैं बात कर रहा था, उनका मानना था कि देखिए 1996 में जब हदबंदी हुई और फारूक साहब सरकार के बाहर थे और उसके बाद वो चुनाव के अंदर आए तो उस वक्त कैसे हदबंदी हुई थी वो तो सबके सामने है, तो तब भी तो जम्मू के लोग रो रहे थे और बहुत ज्यादा उनकी तरफ से एहतजाज किया गया था, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया था, लेकिन कोई फायदा उन्हें नहीं मिल रहा था, कोई उन्हें रिलीफ नहीं मिला था। आज काफी मशक्कत के बाद, काफी तकदों के बाद थोड़ा सा रिलीफ जो है वो जम्मू को मिला है, तब भी पूरा नहीं मिला है। इस तरीके की बातें जो है वो पावर कॉरिडोर से इस वक्त हो रही है दिल्ली के अंदर, तो ये आप समझ सकते हैं जब इस तरीके की बातें पावर कॉरिडोर से होती है इसकी रिफ्लेक्शन और इसका इफेक्ट कहां कहां पर पड़ता है और कैसे पड़ता है वो आज आपके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक तमाम जानकारी के लिए। इशफाक गौहर एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ थे। बड़ी जानकारी इस वक्त जो मिल रही है जहां पर पेशरफ्त हुई है 20 तारीख की मीटिंग के बाद ये दूसरी मरतबा, पहली जब हमारे सामने तफसीलात आई थी तो उसमें ये लगभग क्लियर हो गया था कि कमीशन किस तरफ जा रहा है या क्या कुछ करने वाला है और उसके बाद खैर मकदम भी जम्मू सूबे के अंदर काफ़ी ज़्यादा किया गया। जो पहली असेंबली सेगमेंट्स होंगी इस तरह की जो इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई थी, लेकिन अब जाकर कमीशन ने अभूरी रिपोर्ट सौंपी है, उसकी कन्फर्मेशन तो लगभग हो ही रही है लेकिन इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की बातों से इत्तफाक कमीशन की तरफ से शायद नहीं किया गया है, जिस पर सवालात भी कुछ उठाए जा रहे हैं। मगर अभूरी रिपोर्ट में वही जो पिछला लगभग सिनारियो था, तकरीबन 90 असेंबली हलकों की जो बात हो रही थी यहां पर भी क्लियर जो है वो हो पा रही है। इसमें आप देखेंगे तो पिछली जब रिपोर्ट 20 दिसंबर को जब मीटिंग हुई, एसोसिएट मेंबरान को बुलाया गया रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी के साथ साथ, हमने देखा कि नई दिल्ली के अंदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी मुलाकात हुए कमीशन के जिम्मेदारान के साथ, रंजना प्रकाश देसाई जो कि हेड कर रही हैं इस कमीशन को, रिटायर्ड जज हैं उनके साथ, दीगर सीनियर अहदेदार जो अपनी खिदमात माजी में दे चुके हैं मुख्तलिफ शोबों के अंदर, बड़ी खिदमात उनकी रही हैं, वो इस कमीशन के अंदर इस वक्त काम कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर को जग्राफियाई एतबार से भी परखने की कोशिश हुई। उसके बाद हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक इंतजामिया से भी रिपोर्ट्स ली गई, किस इलाके के अंदर कहां पर आज के वक्त में इंतजामिया के पास मौका है या इंतजामिया के पास ऐसी गुंजाइश है जहां पर नए असेंबली सेगमेंट्स या नए असेंबली हलके बनाए जा सकते हैं, इस पर लगभग चीज़ें क्लियर करने की कोशिश हुई थी। लेकिन आज जब जाकर 20 तारीख के बाद आप देखेंगे तो इस डेढ़ महीने के दौरान ये दूसरी मरतबा ऐसा हुआ है जब कमीशन आज रिपोर्ट लेकर सामने आया है, अगरचे ये इंटरिम रिपोर्ट है, अभूरी रिपोर्ट जैसे आप कहते हैं, लेकिन 90 असेंबली हलकों का नाम इसमें शामिल होने का मतलब यह है कि पिछली रिपोर्ट जो हमारे सामने आई थी लगभग चीजें वही हैं। उस बार जब डिटेल सामने आई थी तो 6 सीटें जम्मू के लिए, 1 कश्मीर सूबे के लिए और उसका खैर मकदम जम्मू सूबे के अंदर बड़े पैमाने पर किया गया, बीच में कुछ लोगों की तरफ से जरूर इसकी मुखालफत भी की गई, 50 तक ये जो आंकड़ा है वो 45-46 से बढ़ाकर 50 तक किया जा सकता है, जम्मू के साथ इंसाफ होना चाहिए और इस तरह के नारे लगे उस टाइम
एहतजाज भी काफी ज्यादा किया गया, मगर अब जब कमीशन की रिपोर्ट आज सामने आई है तो शायद उसी रास्ते पे एक बार फिर हम देखेंगे, लगभग रिपोर्ट उसी तरीके से सामने आ रही है। हमारे साथ मोहम्मद अकबर लोन साहब इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, रुकने पार्लियामेंट है, शुमाली कश्मीर से इनका ताल्लुक है, इस वक्त ऑनलाइन पे हमारे साथ बराह रास्त हैं। अकबर लोन साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस वक्त अबूरी रिपोर्ट जो है वो आप कंफर्म कर रहे हैं कि सामने आई है, क्या कुछ डिटेल्स आपके पास हैं, कुछ पॉइंट्स रीड आउट कर पाएंगे आप हमारे लिए, हमारे नाजरीन के लिए? ये है कि ये रिपोर्ट आई हुई है तो इन्होंने डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली एंड पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी इन द स्टेट ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर ड्राफ्ट रिपोर्ट वर्किंग पेपर्स का उन्होंने दिया हुआ है। इसमें इन्होंने जस्ट इन्होंने अब दिखाया है पुराना वाला, अलबत्ता एक जगह यहाँ पर जो पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारी उसमें ऐड किया हुआ है अजर, एक विलेज है जी। वो इसमें ऐड कर दिया है, जैसे है वैसे है। अकबर लोन साहब आप इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि जो 7 में से 6 सीटें जम्मू और 1 कश्मीर सूबे का जिक्र किया गया था उसकी कंफर्मेशन आप कर रहे हैं? नहीं, ये तो जो जम्मू की आबादी कम है, एरिया तो हो सकता है कुछ ऊपर नीचे होगा, लेकिन जो कश्मीर की वादी के अंदर जो हमारी करप्शन होने चाहिए जी, वो मैक्सिमम हमको मिलनी चाहिए, कश्मीर वालों को मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए और मिलेंगी, इसमें फर्क है। लेकिन एक चीज और भी आप बता रहे हैं कि जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं कहीं उसका भी जिक्र हुआ है, कुछ नए हलके जो हैं वो भी बनेंगे इस बार? ये नहीं जिक्र हुआ है, ये है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का ही जिन्होंने जिक्र किया हुआ है। अच्छा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड क्या है इस पे? चूंकि आपने जब पिछली बार रिपोर्ट सामने आई थी तो आपने उस वक्त एतराजात के लिए आपको वक्त दिया गया था 31 तारीख में 24 जी, इस बार क्या कुछ आप करने वाले हैं? ये है 14 फरवरी तक इसमें हमारे एतराजात देने, 14 फरवरी तक, 14 फरवरी। तो इसमें क्या कुछ आपने अपने लेवल पे डिस्कशन की है फारूक साहब से, मसूदी साहब से, क्या आपका फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा? अभी कुछ नहीं हुआ है डिस्कशन, अभी कुछ नहीं हुआ फारूक साहब से या और लोगों से, हमारी कोई डिस्कशन नहीं हुई, अब देखते हैं करेंगे बाद। मोहम्मद अकबर लोन साहब, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर चूंकि जम्मू कश्मीर के लोग भी इस वक्त आपको सुन रहे हैं बहुत ध्यान से, गुलिस्तान न्यूज़ पर इस वक्त आप हमारे साथ बराह रास्त हैं, जो एतराजात आपने 14 तारीख तक देने हैं, क्या ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं हो गया है? चूंकि हमारे पास जो इतला है कमीशन ने, जो आपने पिछली बार आपने ऑब्जेक्शन रखे थे वो उनमें से एक भी नहीं माना है, ये हमें कन्फर्म हो रहा है, इसकी कोई आप तस्दीक करेंगे, कोई इसकी वजाहत कर पाएंगे? और अगर ऐसा है तो इज इट टफ आपके लिए कि अब 14 तारीख तक जो आप कहेंगे शायद वो भी ना माना जाए? नहीं, वो माने का तो सवाल ही नहीं है, हो गए एक तो हो गया, एक तरफा तौर पर कमीशन जैसे चाहे वैसे करे तो करे जी, एक हो गया वो, दूसरा हो गया ये कि अगर उनको पब्लिक ओपिनियन साथ रखनी है तो उसमें हमारा जो व्यू पॉइंट होगा उसको ध्यान तो कंसिडर जी। तो कब तक आप 14 तारीख से पहले कोई तारीख आपने तय की है जब आप कमीशन के सामने दोबारा हाजिर होंगे? अभी आज ही मिला है, अभी प्रेसिडेंट से मिलना है, अभी जी जो हमारे और नेता हैं उनसे मिलना है, उनके पास बैठ के फिर बात होगी तो उसके बाद ही हम बता पाएंगे। कमीशन का एक अकबर साहब एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, चूंकि आप सीनियर लीडर भी हैं, रुकने पार्लियामेंट भी है, वसी तजुर्बा आपका है, जम्मू कश्मीर को भी बहुत अच्छे से आप जानते हैं, जो जोग्राफियाई एतबार से अब तक जो डिटेल सामने आई हैं डिप्टी कमिश्नर्स से लेकर सूबाई इंतजामिया से लेकर जो दिल्ली को कमीशन के सामने रखी गई हैं डिटेल्स, आप मुत्तफिक हैं किस इलाके के अंदर क्या रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, क्या फाइनल फैसला होना चाहिए आपकी तरफ? अभी इस पर कोई गौर खोज नहीं हुआ है जी, अभी इस पर ये पूरे दलाइल देखने हैं, फिर उसके बाद हम देख लेंगे यार कुछ ठीक रहेगा। तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले अकबर साहब आपको रिपोर्ट मिली है, कोई एक आधा पॉइंट आप इसमें पढ़ पाएंगे, कोई मेंशन कर पाएंगे?
नहीं, अभी तो रिपोर्ट अभी पड़ी नहीं है, अभी मिली है, पड़ी नहीं है, अभी बस इतना ही है कि कहें इसमें थोड़ा सा एक मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है बड़ी सेगमेंट की, उसमें इन्होंने एक एक इलाका अताशिल अजस ऐड किया हुआ है, अजस बांडीपोरा, अजस बांडीपोरा से कर अजस हमारे साथ मिला दिया है, वो देख रहे हैं। अच्छा, रहेगा और कोई इलाका जो साउथ या नॉर्थ का जो? नहीं, ये इलाका। चलिए, बहुत शुक्रिया अकबर लोन साहब, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अकबर लोन साहब रुकने पार्लियामेंट हैं, नॉर्थ कश्मीर से हमारे साथ फोन लाइन पे थे। ये कम से कम उन्होंने इस खबर की तस्दीक कर दी है कि रिपोर्ट उनके पास पहुंच गई है। कुछ पॉइंट्स रीड आउट करने में शायद वक्त वो ले रहे हैं और वक्त लगेगा भी, बहुत हसास मामला है और इस पर बगौर जायजा लेने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस दोबारा इस पर अपनी बात रखेगी। अजस बांडीपुरा का वो जिक्र कर रहे हैं कि रिपोर्ट में नाम है, लेकिन इसके साथ साथ 14 तारीख तक का भी वक्त है, चूंकि अभी 10 दिन पूरे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास, लगभग कल दोपहर या शाम तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो मजीद एतराजात हैं वो दर्ज कराएंगे, लेकिन ये भी साफ हो गया है जो पिछले एतराजात थे जब 20 तारीख के बाद रिपोर्ट सामने आई, पब्लिक डोमेन में लाई गई, जो एक ड्राफ्ट था बल्कि वो इन एसोसिएट मेंबर्स को दिया गया, तो उसके बाद 31 तारीख तक का, 31 दिसंबर 2021 तक का वक्त इन सभी मेंबरान को दिया गया था अपनी अपनी बात रखने का। जम्मू सूबे से जो दो रिप्रेजेंटेशन है, बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर मुमलिकत हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो एसोसिएट मेंबर हैं। जुगल किशोर शर्मा हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस से साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मौजूदा जो रुकने पार्लियामेंट है, सिटिंग एमपी अकबर लोन साहब हमारे साथ अभी फोन लाइन पे थे, और हसनैन मसूदी साहब जो कि आपसे थोड़ी देर पहले, उनसे भी हमने रब्ता करने की कोशिश की लेकिन रब्ता नहीं हो सका। कोशिश हम करेंगे दोबारा उनसे रब्ता हो पाए, लेकिन फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान की तरफ से रुकने पार्लियामेंट जो नॉर्थ कश्मीर से हैं, अकबर लोन साहब ने तस्दीक कर दी है। जो कमीशन ने आज हतमी रिपोर्ट जो है वो तो बाद में आएगी, लेकिन अबूरी रिपोर्ट उनके हाथ में दे दी है जिसमें 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज का जिक्र है, अजस बांडीपुरा का इसमें उन्होंने नाम भी लिया, और आवाज़ क्लियर नहीं थी लेकिन शायद उन्होंने छम के साथ एक इलाका पड़ता है जम्मू सूबे के अंदर उसका जिक्र किया है, जिसका एसटी और एससी के रिजर्व सीटों की जब बात आई थी तो इस इलाके का जिक्र जरूर वहां पर किया गया था, और इसलिए अभी क्लियरेंस उस पर नहीं मिल पा रहा, लेकिन जैसे रिपोर्ट्स के मजीद पॉइंट्स हमारे पास आएंगे तो आपको बताएंगे। फिलहाल अबूरी रिपोर्ट जो है वो हदबंदी कमीशन ने सभी एसोसिएट मेंबरान को सौंप दी है। चलिए, मजीद खबरों के लिए आप गुलिस्तान न्यूज के साथ बने रहिए। www.gulistanews.in पर आप विजिट करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप जाइए, खबरें न सिर्फ देखेंगे बल्कि तहरीरी मवाद भी यहां मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ रहने के लिए। वाह, बस इतने में? वाह नहीं, बस इतने में ताजमहल चाय का वही स्वाद अब नई कीमत में, 100 ग्राम पैक सिर्फ 40 रुपए में। ताज अब और भी वाह। वाह ताज। हंगामा खेज डिबेट के इस बाजार में, फर्जी खबरों के बढ़ते इस दौर में, बेखबर रखने की चाल और भरम के जाल से हम आपको दिलाते हैं निजात। भूख, जुल्म, बेबसी पर सियासी पर्दे को